नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज की बुलेटिन की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार। झारखंड लॉकडाउन फेज 2 का 15वां दिन, अब तक 106 संक्रमित। संक्रमित जिलों से बाहर निकलने पर सख्ती। रेड जोन में शामिल रांची के हॉटस्पॉट हिंडपीरी में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहां आगे भी सख्ती बरती जाएगी। रांची में 31 मार्च से 28 अप्रैल तक अब तक 2653 लोगों का कॉन्टैक्ट टेस्टिंग किया गया है। कॉन्टैक्ट टेस्टिंग में रांची में अब तक 980 से भी ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की नसीहत मिल चुकी है। सोमवार को रांची में मिले 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंडपीरी के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर खतरा पैदा कर रहे हैं। राज्य में अब तक 4 की हो चुकी है मौत, 14 को स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। साइकिल से 900 किलोमीटर चलकर 6 दिन में लातेहार लाए गए 11 मजदूर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। छत्तीसगढ़ से 11 मजदूर सोमवार देर शाम साइकिल से लातेहार आए। यह सभी लोग सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने साइकिल से 6 दिन में 99 किलोमीटर का सफर किया तय। प्रशासन ने सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण 1 माह से काम बंद था। जो पैसे बचे हुए थे उसी से खर्च चल रहे थे। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वहां रहकर और ज्यादा दिन गुजारा कर पाते। बचे पैसे से ही हम लोगों ने 11 पुराने साइकिल खरीदी और घर के लिए लातेहार और चल दिए। हिंडपीरी कंटेनमेंट जोन को CRPF के हवाले। अब तक राज्य में सर्वाधिक मरीज यहीं से मिले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिंडपीरी कंटेनमेंट जोन को CRPF के हवाले कर दिया गया है, ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और बाहर बिल्कुल भी ना निकले। दरअसल राज्य के सर्वाधिक मरीज यहीं पर मिले हैं। झारखंड में अब तक 106 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। अखिलेश झा बने रांची पलामू के DIG। 35 IPS का हुआ तबादला। आज की अपडेट्स में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।